नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम डील करेंगे यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल मतलब एक राज्य के बारे में, वहां की प्रशासन, वहां की संस्कृति, वहां की कला, वहां की सभ्यता, वहां की आर्ट एंड कल्चर, वहां की कृषि, वहां की जलवायु, वहां की भौगोलिक परिस्थिति, वहां की नदियां, उस राज्य के बारे में हर विशेषता के बारे में अध्ययन करना, किसी राज्य के विशेष बारे में उस राज्य का स्पेशल कहते हैं। तो हम आज यूपी स्पेशल का एक सेशन डील करेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक देखेंगे। एक होगा हम प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासन के बारे में समझेंगे, और दूसरा हम यहाँ की ज्योग्राफी भूगोल के बारे में समझेंगे। तो आज हम दो चीजों फोकस करेंगे। पहली चीज होगी उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य प्रशासनिक बातें, और दूसरा ज्योग्राफी। दोस्त, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके यूपीडीसीएस में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि नए ट्रेंड में क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। 2018 में एक दो तीन क्वेश्चन थे और 2019 में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो प्रीलिम्स में जो नया पैटर्न है, यूपी स्पेशल से प्रश्न अभी पूछने बंद हो गए हैं। लेकिन आपको यूपी स्पेशल आपको मेंस में भी पढ़ना है। आपको यूपी स्पेशल के बारे में कुछ प्रश्न आपके मेंस में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको पढ़ने हैं। तो यूपी स्पेशल को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम दो मेन टॉपिक कवर करेंगे। पहला, प्रशासन के बारे में, प्रशासनिक शब्दावली या प्रशासन के बारे में कुछ खास बातें एक प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। दूसरा, भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशन को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश के नाम। उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश कब रखा गया उत्तर प्रदेश का नाम। उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश के कई सारे नाम रहे हैं। 1866 में कुछ था, उसके बाद फिर चेंज हुआ, फिर 1937 में था, फिर 1950 में दूसरा नाम आया। तो 1937 में, 1937 के बाद इसका नाम था यूनियन प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। 1937 में इसे बोला गया संयुक्त प्रांत, यूनियन प्रोविंस। और 26 जनवरी 1950 को यूनियन प्रोविंस का नाम हो गया उत्तर प्रदेश। तो अंग्रेजी में जो यूपी था वो दोबारा से यूपी हो गया, यूनियन प्रोविंस के यूपी से उत्तर प्रदेश के यूपी तक। लेकिन हिंदी में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। तो पहली बात हमने समझ ली, 1937 में इसे पहली बार यूनियन प्रोविंस बोला गया था, और 1950 में, 26 जनवरी 1950 में इसको उत्तर प्रदेश नाम से जाना गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, उस राज्य इसका उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में हुआ। तो नाम हो गया इसका, पुनर्गठन हो गया उत्तर प्रदेश का, पुनर्गठन 1956 में हुआ था। इसकी राजधानी क्या थी? तो 1921 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी अलाहाबाद हुआ करती थी, और 1921 के बाद इसकी राजधानी लखनऊ बनी, जो आज तक लखनऊ ही है। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। इससे 13 जिले अलग करके उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य उत्तराखंड बना। तो इसका विभाजन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को।
उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की पहले एक ही आजादी के बाद एक ही राजकीय भाषा थी, वो थी हिंदी। तो 1950 से लेकर 1989 तक एक ही राजकीय भाषा थी, वो थी राजकीय भाषा हिंदी। 1989 के बाद एक और राजकीय भाषा जोड़ी गई, वो हुई उर्दू। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय खेल हॉकी है और राजकीय चिन्ह जो कि 1938 में अडॉप्ट किया गया, इसका राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में दो मछली और तीर और धनुष का निशान। ये राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, राज्य के जो कानून बनते हैं दो सदन के माध्यम से बनते हैं, एक सदन का नाम है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली तथा दूसरे सदन का नाम है विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में संपन्न किए जाते हैं। प्रत्यक्ष मतदान मतलब एडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें लोकल बॉडीज विश्वविद्यालय शामिल हैं, मनोनीत नयन के माध्यम से भी ये सीटें भरी जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल में जो विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 404 सीटें हैं, जिसमें 403 सीटों पर निर्वाचन होता है, 403 सदस्यों का चयन निर्वाचन के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है तथा एक सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर गवर्नर मनोनीत करेंगे और यह व्यक्ति एंग्लो इंडियन होगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम 100 है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, जो कि राज्य में लोकसभा के लिए किसी राज्य के पास सर्वाधिक सीटें हैं। पूरे देश में किसी राज्य के पास लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट की सीटें 31 है, 31 हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है तथा इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी कार्यरत है। मंडल 18 हैं, 18 जोन हैं उत्तर प्रदेश में, जिले 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन 1/3 है, 1/3 रिजर्वेशन सीटें पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल और एकमात्र महिला राज्यपाल जो आज तक चुनी गई वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ये कुछ थी खास विशेष इंपॉर्टेंट प्रशासनिक बातें, ये प्रशासनिक आयाम से हमने उत्तर प्रदेश को डील किया। ये खास खास चीजें, वैसे तो बहुत सारा है लेकिन जो सबसे खास चीजें हैं प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने डील की। दूसरा हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल लोकेशन भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात करने की। तो उत्तर प्रदेश को पहले हम अक्षांशी या देशांतरी विस्तार के बारे में देख लेते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांशी विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है इसका? अगर लंबाई की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर देश का चौथा बड़ा राज्य है। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश पांचवा हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकलने के बाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन होने के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा हो गया। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का चौथा बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहला बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन की बात की जाए तो उत्तरी भाग भाबर तराई का भाग है, मध्य भाग गंगा का मैदान है और दक्षिणी भाग पठारी भाग है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा चार राज्यों से लगती है। सोनभद्र की सीमा चार राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से। और आगे देख लेते हैं कि इलाहाबाद संगम मतलब गंगा और यमुना का जहां दो नदियां मिलती हैं, ये तो सभी जानते हैं, इलाहाबाद में इनका संगम होता है। जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण प्रधान है, शीतोष्ण कटिबंधी तथा मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश में तीन प्राणी घर है, जू, एक कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में है। ये नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान खीरी लखीमपुर दुधवा में है। उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर तीन ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रमौली वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रमौली वन्य जीव विहार है, जबकि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो दोस्तों, प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से और भौगोलिक आधार पर हमने दो आयाम से इस लेक्चर को डील करने की कोशिश की और जो महत्वपूर्ण मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने आपको बताने की कोशिश की। तो अगले सेशन में दूसरे आयाम के साथ मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।